여기 안 밑으로나? गुड मॉर्निंग तिवारी जी. गुड मॉर्निंग तिवारी जी. एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी. सोच में पड़ गए, सोच रहे हैं भाभी जी आज मैं प्रपोज करने वाली हूँ. एक्चुअली मेरे दिल में ना आपके लिए एक फीलिंग पैदा हुई है और मैं चाह रही थी कि ये फीलिंग मैं आपसे शेयर करूँ. हाँ मैम, एक बार ऊपर से लेते हैं. वीडियो के बाद आप बोलेंगे अरे तिवारी जी कहाँ खो गए आप. अच्छा जी 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 भाभी जी कहिए आप क्या कर रही हैं. जी आप कहाँ खो गए. भाभी जी कहीं नहीं कहिए, आपको कुछ ज़रूरी बात करनी थी. तिवारी जी बात ये थी कि मेरे दिल में ना कुछ वक्त से आपकी फीलिंग पैदा हुई और वो फीलिंग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. सोच में पड़ गए. जी भाभी जी कहिए. देखिए ना तिवारी जी, आपको कल देखिए ना तिवारी जी आप पे कल कितना जुल्म हुआ. आपको मारा गया, पीटा गया, लेकिन आपने एक समुंदर की तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लिया. ये सब कुछ देखकर अंदर आपके लिए फीलिंग पैदा हुई तिवारी जी. कैसी फीलिंग भाभी जी. भाभी जी मैं कैसे कहूँ आपसे. बताइए ना भाभी जी, बताइए ना. तिवारी जी मैं मुझे बहुत अटपटा लग रहा है. ये कहते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है. आज तो बोल दीजिए ना जी, बोलिए ना भाई जी. तिवारी जी आप में मुझे अपने पापा नजर आते हैं. जी जब मैं आपसे आजकल बात करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ. पापा, अरे पापा आपको क्या हुआ. पापा पापा आप ठीक तो है ना. पापा प्लीज सुनिए ना. पापा पापा कहाँ चले गए. तिवारी पापा. अच्छा पापा आई कम बैक अगेन ना, मैं आपसे बात करने आऊंगी पापा. संजय थोड़ा सा ये मारो भाई. मास्टर का फोटो बताओ. गुड मॉर्निंग तिवारी जी. गुड मॉर्निंग भाभी जी. गुड मॉर्निंग तिवारी जी. आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भाभी जी. बहुत जरूरी बात करनी है. मतलब कि बुजुर्ग ने भाभी जी के दिल में मोहब्बत की हलचल मचा दिया है. अब भाभी जी को प्रपोज करना. तिवारी जी कहाँ खो गए. जी कहिए भाभी जी क्या कहना चाह रही है, कहिए. देखिए तिवारी जी, मेरे दिल में आपके लिए एक फीलिंग सा पैदा होती है और मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ. हो गया. अरे भाभी जी इसी फीलिंग का तो हम बच्चों से इंतजार कर रहे हैं. जी कहिए भाभी जी कहिए. तिवारी जी कल आप पर इतना जुल्म हुआ, आपको इतना मारा गया, पीटा गया, लेकिन आपने एक समंदर की तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लिया. आपके लिए अदा तो मैं कह नहीं पा रही, लेकिन किसी कारण से मेरे अंदर एक फीलिंग भी पैदा हो गई है. कैसी फीलिंग भाभी जी, कैसी फीलिंग कह दीजिए.
जो भी कहना चाह रही कह दीजिए भाभी जी, कह दीजिए। मैं एक्चुअली मेरे अंदर बोलिए भाभी जी, हाँ बोलिए भाभी जी, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए भाभी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपके अंदर अपने हाँ अपने क्या भाभी जी, हाँ 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 अपने क्या भाभी जी, अपने क्या, अपने अंदर क्या, अपने अंदर भाभी जी पापा को देख रही थी। आपसे बात करते वक्त मुझे लगता है कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। पापा पापा कहाँ जा रहे हो पापा? नहीं आज एक्चुअली क्या था कि बड़ा मतलब तिवारी जी के ऊपर तो वज्रपात हो गया एक तरह से, इतनी प्लानिंग से उसने अपनी चीज़ें रखी थी कि किस तरह से गेटअप बदल कर आया था संजीव कुमार टाइप का बन के, क्योंकि भाभी जी को जो है मैच्योर लोग पसंद हैं, भाभी जी को इंटेलेक्चुअल लोग पसंद हैं, बुद्धिजीवी लोग पसंद हैं, और अचानक भाभी जी ने तिवारी जी के अंदर वो सारी चीज़ें देख भी ली थी और ये कहा भी था कि हाँ मैं आपके से दोस्ती का हद बढ़ाती हूँ, लेकिन अचानक आज जो है वज्रपात सा हो गया। आज आपको पापा बोला गया? जी अचानक जो है इतनी मोहब्बत के बाद कहा गया कि मुझे आपको देखकर लगता है जैसे मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। आ क्या बताएं, तिवारी जी को तो बहुत बड़ा धक्का लग गया। धक्का क्या, हमारा तो मतलब हार्ट अटैक होते होते बचा है, मतलब एक इतनी बड़ी मतलब एक इतनी बड़ी चीज़ जो आगे तक बढ़ गई थी अचानक पीछे की तरफ चली गई, एकदम टेम्परेचर डाउन हो गया। मतलब ये अच्छा लगता है खासकर इस तरह के जब रोल मिलते हैं, और खासकर तिवारी के कैरेक्टर में अचानक बुजुर्ग आ गया, अचानक एक्टर आ गया, अचानक कोई और आ गया, तो एक एक्टर को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत कुछ मिलता है उसे, और क्या होता है बड़ा सटल करना होता है तो और मज़ा आता है। मतलब मज़े के साथ आप सारे रोल्स करते जाते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉमेडी का मतलब ही है जब आप खुद इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको, और ऊपर से लिखा इतना अच्छा आता है, कमाल है। मतलब अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अभी आईपीएल ख़त्म हुआ है तो अभी फिर से भाभी जी घर पर देखना शुरू कर दें और हमें और प्रोत्साहन दें, कॉन्फिडेंस दें, ताकि एक से बढ़कर एक कहानियाँ हम लेकर आएँ जो हम लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने समर स्पेशल देखा होगा, बहुत कमाल की 5 कहानियाँ गई हैं, और अभी जो है आप एक कहानी देखेंगे जिसमें भभूति जी को गधा काट लेता है और अचानक उनके अंदर गधे के कीटाणु फैलने लगते हैं, अब वो कितना बड़ा नाटक है ये भी देखिएगा। थैंक यू। Amen!